नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता भारत हेरो न्यूई को भारत में निर्मित सटीक हथियार से लैस करेगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में निर्मित स्वदेशी हथियार से हेरो न्यूई को हथियारबंद बनाया जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा था प्रोजेक्ट चीता के बारे में कुछ भी जानकारी मिलते ही मैं आपको बताऊँगा और इस पर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता प्रोजेक्ट चीता के साथ जारी है, जो एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI हेरोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल UAE के अपने बेड़े को भारत में विकसित सटीक हथियारों से लैस करना। दोस्तों, इस परियोजना के तहत भारत स्वदेशी हथियार प्रणालियों को इंटीग्रेट करके रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर हेरोन UAE की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में भारत ने गहन टेक्नोलॉजी अध्ययन के बाद स्वदेशी सटीक हथियारों की एक सीरीज को विकसित किया है और इंटीग्रेट करने की योजना बनाई है। इन एडवांस हथियार प्रणालियों को हेरोन UAE को एडवांस ऑपरेशनल वर्सेटाइल प्रतिभा और प्रभावशाली प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जो हेरोन UAE में हथियार निर्माण किए गए हैं वो भारत ने खुद बनाए हैं। हम दोस्तों इसको इसराइल से नहीं खरीदेंगे, केवल प्रोजेक्ट चीता के तहत इसराइल की कंपनी के साथ मिलकर इन हथियारों को इन UAE के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, 3 मेड इन इंडिया को सशस्त्र हेरोन UAE से सुसज्जित किया जाएगा, मतलब 3 तरह के हथियारों को निर्माण किया गया है इन हेरोन ड्रोन UAE के लिए। दोस्तों, फर्स्ट है UAE लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनेशन। दोस्तों, इसका वजन है 8.5 किलोग्राम, वारहेड है 2 किलोग्राम, रेंज है 4 किलोग्राम। दोस्तों, पेलोड हेरोन UAE में दोरी रेक में 4 ULPGM ले जाने की क्षमता होगी, जो सटीक और लचीलापन दोनों प्रदान करेगी। दोस्तों, दूसरा है विस्तारित रेंज UPLGM, मतलब विकासाधीन है, अभी निर्माण चल रहा है। दोस्तों, इसका विकास हो रहा है। विस्तारित रेंज UPLG वर्तमान में विकास के अधीन है, जिसका लक्ष्य UAE की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाना। दोस्तों, तीसरा है हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका निर्माण हमने पहले से ही कर रखा है। दोस्तों, इसका वजन है लगभग 44 किलो, रेंज है 8 से 15 किलोमीटर और इन ATGM ने सफलतापूर्वक विकासात्मक परीक्षण पूरा कर लिया है और उत्पादन के लिए तैयार है। दोस्तों, निम्नलिखित हथियारों के अलावा अन्य हथियार प्रणालियों के इंटीग्रेट का पता लगाने के लिए व्यवहारिता अध्ययन चल रहा है, जिसमें 5 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक के ड्रॉप बम की संभावित तैनाती भी शामिल है। दोस्तों, इन 3 हथियार के अलावा भी बम का निर्माण किया जा रहा है, जो इस हेरोन UAE में इंटीग्रेट किए जाएंगे। दोस्तों, इन अध्ययनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि चुने गए हथियार हेरोन UAE की ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उनकी मिशन क्षमताओं को बढ़ाए। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत के कमिटमेंट और अपने सशस्त्र बलों के अत्याधुनिक भारत में निर्मित हथियारों से लैस करने के इरादे का प्रतीक है। इन सटीक हथियारों का इंटीग्रेट हेरोन UAE को सटीक और कुशल हमले करने की क्षमता के साथ सशक्त बनाएगा, जिससे वे भारत के रक्षा अभियानों के लिए और अधिक मूल्यवान संपत्ति बन जाएंगे। दोस्तों, भारत को अभी प्रीडेटर ड्रोन डिलीवर नहीं हुए हैं, इस कारण से अभी तक भारत के पास सभी प्रकार के जो इजरायली ड्रोन है वो सारे दोस्तों सर्विलेंस ड्रोन है। भारत के पास एक भी हथियारबंद ड्रोन नहीं है, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। भारत ने तपस 2 भी बना रहा है और आर्चर UAE पर भी काम चल रहा है, वो भी दोस्तों सर्विलेंस ड्रोन है, उनको भी धीरे धीरे हथियारबंद किया जाएगा। दोस्तों, इन ड्रोनों के अलावा भारत के पास सुसाइड, कामिकाजे, क्वाडकॉप्टर और स्वार्म ड्रोन, मतलब सभी प्रकार के हमला करने वाले ड्रोन हैं। पर दोस्तों, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस या हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन में दोस्तों हमारे पास हथियारबंद ड्रोन नहीं है, इस कारण से दोस्तों इन ड्रोन को हथियारबंद बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट चीता अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय कंपनियों के साथ भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोन्स को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएगी। भारत के हेरोन ड्रोन को अपग्रेड किया जाएगा, उन्हें इजरायल की मदद से युद्ध लायक बनाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ आक्रामक हमला किया जा सके। दोस्तों, हम इन ड्रोन से सर्विलेंस करते हैं, सर्विलेंस करते समय अगर हमें कोई एनिमी दिख जाता है तो हमको मारने के लिए वापस उस ड्रोन को जगह सैनिक को भेजना पड़ता है और वो जाकर उसको टर्मिनेट करता है। इससे अच्छा हमारे पास दोस्तों हथियारबंद ड्रोन अगर हो तो वहीं पर हमला किया जा सकता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय रक्षा कंपनी इन इजरायली ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेगी, इसके अलावा अन्य सर्विलेंस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाएगी। हेरोन ड्रोन्स मीडियम एल्टीट्यूड UAE है, जो 250 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा है, एयरबोर्न सर्विलेंस विजिबिलिटी लाइट रडार सिस्टम आदि लगा होता है। यह अपने बेस से उड़कर खुद ही मिशन पूरा करके बेस पर लौट सकता है, मतलब
मतलब दोस्तों ये ऑटोनोमस है। हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी गाइडेड मिसाइलों से लैस किया जाना है। प्रोजेक्ट चीता को लेकर आखिरी फैसला जल्द होने की उम्मीद है। आइए आपको बताते हैं कि हेरोन ड्रोन्स की किस तरह से फायदेमंद है। चीन की सेना लद्दाख सीमा के इस पार या उस पार भारत के खिलाफ कोई नापाक हरकत करेगी तो तुरंत पता चल जाएगा। दोस्तों चीन के साथ पिछले साल चल रहे सीमा विवाद के वक्त भारतीय सेना को इसराइल से ये ड्रोन दिए गए, जिनके कैमरे, सेंसर्स और राडार की बाज की नज़रों की तरह तेज और उन्हें लद्दाख सेक्टर पर तैनात किया गया। दोस्तों इसराइल से 4 हेरोन ड्रोन्स मिले थे। सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी तरह से भी जेम नहीं किया जा सकता दोस्तों, यानी इसमें एंटी जेमिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो पहले ड्रोन्स की तुलना में ज़्यादा दमदार है। इन ड्रोन्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत मंगाया गया है ताकि देश की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता ना किया जा सके। हेरोन ड्रोन्स को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है। दोस्तों हेरोन ड्रोन एक बार हवा में उठा तो 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह जमीन से 35,000 की फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ता रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जमीन पर ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। यह ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों हेरोन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं जो थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी लाइट एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलेंस जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है, साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के राडार सिस्टम लगे हैं। इन ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है, यानी सीमा के पास से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। दोस्तों जो सर्विलेंस ड्रोन होता है वो हमला नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है कि टारगेट को लॉक करता है और वो जानकारी आर्टिलरी या किसी अन्य हथियार को ट्रांसफर कर देता है और उस लॉक हुए टारगेट को फिर आर्टिलरी से फायर करके उसको खत्म किया जाता है। दोस्तों इसे कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में तो रहते ही हैं, इसके अलावा इसकी संचार प्रणाली को सैटेलाइट के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। इसके नेविगेशन के लिए प्री प्रोगार्ड फुली ऑटोमेटिक नेविगेशन को चलाया जा सकता है या फिर मैन्युअली आप रिमोट से इसे नेविगेट कर सकते हैं। इसका कुल वजन मैंने आपको बताया 250 किलोग्राम है। भारत में भेजे गए इजरायली हेरोन ड्रोन का नाम ईगल या हॉरफांग है, हालांकि भारतीय सेना इसे अपना अलग नाम दे सकती है। दोस्तों ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय सेना इसका उपयोग सीमा की निगरानी और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए करेगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना इसकी मदद से हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी समेत कई अन्य तटीय इलाकों पर घुसपैठ और चीनी हरकतों पर नजर रख सकेगी। खास बात यह है कि इस ड्रोन की मदद से आप समुद्र के अंदर भी झांक सकते हैं। यह पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकती है। इसके अलावा इसके थर्मल सेंसर कैमरा रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को पकड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें हम इजरायली हेरोन ड्रोन को क्यों खरीदा है 4, वो दोस्तों हेरोन मार्क 2 ड्रोन है। जो दोस्तों हेरोन ड्रोन जो भारत के पास पहले से ही है उनसे बहुत ज्यादा दमदार और बेहतर है। जो दोस्तों हमारे पास पुराने हेरोन ड्रोन है उनको भी दोस्तों हेरोन मार्क 2 ड्रोन की तरह ही अपग्रेड किया जाएगा और प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरोन मार्क 2 और हेरोन ड्रोन को हथियारबंद बनाया जाएगा, जिसके बाद दोस्तों हमारे पास जो प्रीडेटर ड्रोन है उनकी तरह ही ये सारे काम कर सकता है। केवल दोस्तों ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है और हेरोन ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसके अलावा इनमें कोई अंतर नहीं है, हथियार लगने के बाद ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों वो $100 मिलियन का मिलता है, ये 10 से 20 मिलियन या $30 मिलियन में मिल जाता है, तो हमें काफ़ी फायदा है। हम बहुत सारे सैकड़ों ड्रोन खरीद सकते हैं और केवल अमेरिका से हम 30 से 31 प्रीडेटर ड्रोन में ही हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं हमारे। इसलिए दोस्तों इजरायली ड्रोन भारत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों अमेरिका भी बहुत बार इजरायली टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतर और सस्ती टेक्नोलॉजी है। भारत की तरह यह भी सस्ती और बेहतर टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है। अभी भी हमारे सर्विलेंस ड्रोन कोई कम नहीं है दोस्तों, रॉकेट लॉन्चर हो, आर्टिलरी हो, टैंक हो या कोई भी हो, दोस्तों ये सर्विलेंस करते समय ही बाज की तरह नज़र रखते हैं और टारगेट को लॉक करके कंट्रोल रूम में भेज देते हैं और फिर बॉर्डर पर जो भी हथियार तैनात होता है उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हथियार लॉक रहता है और दोस्तों उसको उड़ा दिया जाता है। ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजी से युक्त है हमारा हेरोन ड्रोन। दोस्तों भारत कभी हेरोन ड्रोन की टोटल संख्या नहीं बताता, पर भारत के पास सैकड़ों हेरोन ड्रोन हैं जिनको दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत
हथियारबंद बनाया जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको दो या तीन वीडियो पहले कहा था कि प्रोजेक्ट चीता चल रहा है या ख़त्म हो गया है, मुझे जानकारी नहीं है, पता जानकारी मिलते ही मैं आपको बताऊंगा। और एक निवेदन मेरा ये है कि हमारे पूर्व नौसैनिक अधिकारी को कतर ने पकड़ लिया है और उनको मौत की सज़ा सुना दी है। इसका दर्द केवल एक सच्चे देशभक्त को ही हो सकता है, क्योंकि वो भारत के किसी भी जवान को खोना नहीं चाहता। अगर आप नहीं खोना चाहते तो दोस्तों हम इसराइल का सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये तो हमारे अपने हैं। हम इनके लिए ट्विटर पर ट्रेंड क्यों नहीं चला सकते हैं? क्यों हम कतर को कटघरे में लाकर नहीं खड़ा कर सकते हैं? क्यों कतर के खिलाफ हम एक ट्विटर या इंस्टाग्राम पर ट्रेंड नहीं चला सकते? क्यों हम सरकार पर दबाव नहीं बना सकते कि कतर एक छोटा सा भारत के एक शहर के बड़ा देश अंगूठे भर जैसा, और वो भारत को धमकी दे रहा है? अगर भारत सपने में भी उसको ये कह दे कि सुबह नक्शे से कतर गायब हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ उसके राजा को रात को नींद नहीं आएगी और सुबह मोदी जी के पैरों में आकर गिर जाएगा। यह हालत हो जाएगी कतर की। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, दुनिया की तीसरी सबसे मिलिट्री बड़ी पावर है और पाँचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और सातवां क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भी अगर कतर जैसे मुस्लिम मुमालिक से हम डर जाएं और हमारे सेना के पूर्व सैनिक को मौत की सज़ा अगर कतर सुना दे, तो हमारे को शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप भी वीडियो बनाएं, ट्विटर पर पोस्ट करें और सरकार पर दबाव बनाएं कि कतर से हमारे सैनिकों को ही नहीं छुड़ाएं, बल्कि कतर को अच्छी खासी सज़ा मिले और कतर को सबक सिखाया जाए, ताकि दूसरी बार वो भारत के किसी नागरिक पर आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आपकी राय भी मेरी तरह है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर और डिस्ट्रॉय कतर लिखकर अपने देशभक्त होने का सबूत दीजिए, और अपने आप ही लोगों को कहकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर जैसे चाहे आप सरकार पर दबाव बनाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जय हिंद जय भारत।